सोमवार को उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की विशेषता यही रही कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए लोगों के बीच जाने की राय दी। इसके साथ ही अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को घर घर जाकर बताएं, जिससे आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में उज्जैन और आसपास के संभाग के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। एक्सटेंशन कार्यकर्ता शीघ्र ही हमारे नेताओं को सुनने के लिए उत्सुक है। मैं हमारे सभी अतिथि गणों के लिए, स्वागत के लिए मंडल अध्यक्षों से निवेदन करता हूँ कि हमारे अतिथि गणों का स्वागत करें। हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी भाई अजीत कोराफी जी का स्वागत करने के लिए मैं मंडल के अध्यक्ष भाई नंदराम जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडा जी का स्वागत करें। माननीय उत्पल सिंह जी गुवाहाटी, स्वागत की इस कड़ी को यही विराम देते हुए आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं और आज सारे कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और आज से सारे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में फिर से बनने जा रही है और उनने जो जो इस मध्य प्रदेश को 5 साल में दिया है, जो जो योजनाएँ दी, वो हमको घर घर तक सिर्फ याद दिलाना है। उसी से हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनको सिर्फ ये बताना है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है और उसी के लिए आज ये कार्यक्रम रखा था और आज से हम चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं।